हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ई एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम स्विच गियर के बारे में, जो भी कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इसके बारे में आज मैं इस वीडियो की हेल्प से आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैंने एक पीपीटी स्लाइड बनाया दोस्तों, इसके हेल्प से ही आपको थियोरेटिकल पार्ट्स जितने भी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, सो डेट आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे तरह से शुरू हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा आज स्विच गियर का टॉपिक है। तो स्विच गियर में हमें जानना होगा कि स्विच गियर बेसिकली होता है क्या है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों होता है एक सिस्टम है जिसको हम लोग यूज करते हैं कंट्रोलिंग पर्पस के लिए, स्विचिंग पर्पस के लिए, आइसोलेटिंग मीन्स आइसोलेटिंग कहने का मतलब पावर को आइसोलेट करना, एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड इक्विपमेंट्स। मतलब इससे जो भी फॉल्ट क्रिएट होगा उससे हमें इसमें प्रोटेक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को और सर्किट को, उसको हम स्विच गियर कहते हैं दोस्तों। सेकेंड नंबर पॉइंट्स कहता है दोस्तों, स्विच गियर एक हमारा सबस्टेशन का पार्ट्स है जो लोकेट किया रहता है हमारा बोथ साइड ऑफ द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड्स ऑफ अ लार्ज ट्रांसफार्मर यूनिट्स। इसको दोस्तों मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। सपोज मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसका रेटिंग मान लीजिए दोस्तों 35 MVA है। तो उसमें दो इंड होंगे, एक होंगे HV इंड, एक होंगे LV इंड, मतलब हाई वोल्टेज इंड और लोअर वोल्टेज इंड। तो जो हाई वोल्टेज इंड है जहाँ से उसका सप्लाई आएगा तो वो भी एक किसी स्विचगेयर से आएगा, तो यही यहाँ पर बोलना चाह रहा है। और जो लो वोल्टेज इंड है, लो वोल्टेज इंड है जो वो भी किसी स्विचगेयर को जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है इसका दो सबस्टेशन का कि लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड्स ऑफ अ लार्जर ट्रांसफार्मर यूनिट। मतलब स्टेप डाउन जब ट्रांसफार्मर करेगा तो लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज के इंड में भी हमारा एक स्विचगेयर लगा रहेगा, और जब ट्रांसफार्मर को फीड करेगा तो वो भी एक स्विचगेयर से ही फीड करेगा, तो उसको बोलेंगे हाई वोल्टेज इंड। नेक्स्ट नंबर पॉइंट बोलता है दोस्तों कि जो स्विचगेयर है हमारा वो फंक्शन कैरी करता है मेकिंग और ब्रेकिंग का, मतलब जो नॉर्मल लोड करंट का होता है उसको, मतलब इसका जो पर्पस है कॉन्टेक्ट जो है मेक और ब्रेक करना जो भी लोड करंट है उसको। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट बोल रहा है दोस्तों, ये जो हमारा स्विच गियर है दोस्तों वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है किसका, क्लियरिंग ऑफ द फॉल्ट करंट फॉर विच सेंसिंग डिवाइस लाइक करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जैसे देखिए दोस्तों कि ये स्विच गियर है, तो इस स्विच गियर में जब बस बार के एंड में देखेंगे तो आप CT और PT करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो उसका जो कमांड है जो रिले को जाएगा, रिले जो कमांड है वो हमारा स्विच गियर को देगा। स्विच गियर को जब देगा तो उस कमांड को ये स्विच गियर एग्जीक्यूट करेगा, जो भी फॉल्ट होगा उसके रिगार्डिंग उस स्विच गियर हमारा, अगर सपोज किसी करेंट ट्रांसफार्मर से ओवर करेंट का फॉल्ट दिखा रहा तो हमारा रिले जो है ब्रेकर को कमांड देगा, ब्रेकर आपका ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। ओवरलोड रिले जैसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो ओवर वोल्टेज के केस में हमारा यहाँ पे जो है स्विच गियर वो एक्शन में आएगा और आपका ट्रिप कर देगा सर्किट को। नेक्स्ट नंबर जो पॉइंट है दोस्तों बोलता है, स्विच गियर जो भी हम पावर प्लांट में जैसे यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि स्विचिंग होता है, तो जो इक्विपमेंट्स होता है वो जो लोकेट किया रहता है उसको हम मेक और ब्रेक करने के लिए। तो जैसे आप देखेंगे कि कोई भी स्विच गियर है, जैसे पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक पावर प्लांट से जो पावर बनता है उसको एक स्विच यार्ड में भेजा जाता है, तो वहाँ पे बहुत ही हाई रेटिंग के स्विच गियर्स होते हैं दोस्तों। तो उसका काम है कि जितने भी ऑक्जिलरी प्लांट्स है छोटा मोटा, उसको क्या है इंडिविजुअली प्लांट्स को पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके देना, तो वहाँ पे भी दोस्तों स्विच गियर यूज किया जाता है, वेदर वो मशीन हो या कोई भी छोटा प्लांट्स हो। तो ये हो गया दोस्तों, इस स्लाइड को समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर स्लाइड पे आते हैं दोस्तों, ये जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों ये एक कंप्लीट स्विच गियर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, ये जो बीच वाले पैनल देख रहे हैं ये होता है दोस्तों बस कपलर। हमारा लेफ्ट साइड में जो है इसके ये होता है बस PT, ये हो गया इनकमर, इधर भी हो गया इनकमर, ये बस PT एंड देन इनकमर, तो ये हो गया बस कपलर। तो बस कपलर का बेसिकली काम है दोस्तों, सपोज इस एंड में एक मोटर लगा है और इस एंड में एक मोटर लगा है, दो मोटर है, दोनों इनकमर से इनकमिंग सप्लाई इसमें आ रहा है किसी स्विच गियर से, और इसमें भी इनकमिंग सप्लाई आ रहा है, दोनों मोटर रन कर रहा है, उस समय ये ऑफ कंडीशंस में बस कपलर है। सपोज एक इनकमर का सप्लाई चला गया, मान लीजिए इनकमर नंबर दो ये है, इसका सप्लाई चला गया, तो इनकमर नंबर वन जो है आपका मोटर चलेगा और सेकेंड नंबर इनकमर से हमारा क्योंकि मोटर ट्रिप हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में अगर आप मोटर को चलाना चाह रहे हैं सेकेंड नंबर मोटर को, तो क्या इस बस कपलर के हेल्प से इसमें जो इनकमिंग हमारा जो सप्लाई आ रहा है उसको इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उस कंडीशंस में क्या है कि इस बस कपलर के हेल्प से इस पैनल को भी चार्ज कर सकते हैं और दोनों मोटर एट ए टाइम आप चला सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों स्विच गियर। अब इसके बेसिक्स जो इसके जो दिख रहा है फिजिकली उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो ऊपर में यहाँ पे इंडिकेशन लैंप दिया है दोस्तों, ये इंडिकेशन लैंप हमारा
स्टार्ट स्टॉप ट्रिप के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट एक और तीन दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो हो सकता है दोस्तों कि तीनों फेज का जो हमारा होता है उसका इंडिकेशन, सपोज आर वाई बी का। नेक्स्ट आप देखेंगे नीचे में तो एक डिजिटल डिस्प्ले है जिसको हम MFM बोलते हैं, मल्टी फंक्शन मीटर। इसको बेसिकली हम डिजिटली इसमें वैल्यूज़ को देखते हैं, वेदर वो हमारा पावर कंजम्पशन जो हो जाए, एनर्जी हो गया, हमारा एम्पियर्स जो भी तीनों फेज में कितने करंट लोड उठ रहा है, तीनों आपका फेज में वोल्टेज क्या है, इस सब को आप डिजिटली इसमें देख सकते हैं। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, जो भी आपका स्पेसिफिकेशंस होता है उसको आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा एनालॉगी मीटर दिया हुआ है। तो इसमें दोस्तों होता है कोई एमीटर आपका वैल्यू बताता है, कोई आपका वोल्टेज बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में सेलेक्टर स्विच है बहुत सारा। इस सेलेक्टर स्विच के हेल्प से आप तीनों फेज का, सपोज ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा एक वोल्ट मीटर है जो तीनों वोल्टेज दिखाएगा। तो यहाँ पे आप एमीटर सेलेक्टर स्विच से आप सेलेक्ट करेंगे कि हमें आर का या वाई का या बी फेज का देखना है वोल्टेज, तो उस तीनों से आपको चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपका तीनों फेज में क्या वोल्टेज है। फिर एमीटर के केस में भी आप तीनों को आर वाई बी से सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना करंट एनालॉग मीटर में दिख रहा है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक अनाउंसिएटर है। अनाउंसिएटर में बेसिकली दोस्तों जो भी फॉल्ट क्रिएट होता है उसका यहाँ पे अलार्म बजर के थ्रू आता है, जिसको आप रेक्टिफाई करने के बाद आप रिसेट कर सकते हैं। तो ये हो गया कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन स्विच गियर का दोस्तों, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ द स्विच गियर। तो स्विच गियर जो है दोस्तों हमारा लिखा, स्विच गियर इज नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब स्विच गियर जो है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिल के बना हुआ है, जो कि आपको पिछले दो स्लाइड से कॉन्सेप्ट से आपको बहुत सारा डाउट क्लियर भी हो गया होगा। अभी इसको देखते हैं क्या क्या वो कंपोनेंट से मिलकर स्विच गियर बना हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहला दोस्तों स्विचेज, फ्यूज, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर। जैसे स्विचेज हो गया, फ्यूज, आइसोलेटर, आइसोलेटर जो मेक ब्रेक करता है, सर्किट ब्रेकर जो हमारा सर्किट जो है किसी भी पावर सप्लाई को मेक ब्रेक कॉन्टेक्ट को करेगा, प्रोटेक्टिंग रिले। यहाँ पर प्रोटेक्टिंग रिले मतलब दोस्तों हमारा स्विच गियर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा रिले यूज करते हैं, जैसे माइकम P25 होता है, 225, 127, 243, ये सब मॉडल है दोस्तों जो आपका एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको यूज कर सकते हैं। ये सब माइकम रिले जिसको बोलते हैं, ये सब है दोस्तों प्रोटेक्टिंग रिले, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट। नेक्स्ट है करेंट ट्रांसफार्मर, जो आपका करेंट वैल्यू को बताता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को, और कंडक्टर्स जो बस बार्स होते हैं उसमें। तो ये सब इतने सारे जो कंपोनेंट्स है उसको मिलाकर हम बोलते हैं स्विच गियर। तो ये सब जो हो गए बेसिक कंपोनेंट्स हो गए आपका स्विच गियर का दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द स्विच गियर। अब देखिए दोस्तों स्विच गियर को बेसिकली हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहला है लोअर वोल्टेज स्विच गियर, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर एंड हाई वोल्टेज स्विच गियर। सबसे पहला फिगर आप देख सकते हैं, ये हमारा लोअर वोल्टेज स्विच गियर है, ये हमारा मीडियम वोल्टेज स्विच गियर है, और ये हमारा हाई वोल्टेज स्विच गियर है। ये हम लोग जो है पहला दोस्त लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज अपने सब स्टेशंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाई वोल्टेज स्विच गियर, ये जो देख रहे हैं SF6, ये सब दोस्तों जो स्विच यार्ड होता है जहाँ पे पावर प्रोड्यूस होता है पावर प्लांट से, जिसको सबसे पहले दिया जाता है स्विच यार्ड को। स्विच यार्ड का जो काम है जो इंडिविजुअली प्लांट से जो एक्जिलरी है यूजर से उसको देना। तो ये SF6 सब स्टेशंस में नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसको स्विच यार्ड में यूज किया जाता है जो मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे बोला दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच गियर में, जैसा कि मैंने बताया तीन रेंज में इसको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। तो सबसे पहला बताया जैसे लो वोल्टेज स्विच गियर, तो स्विच गियर जो है तीन तरह का है लो वोल्टेज बेसिस पे। तो लो वोल्टेज स्विच गियर में क्या होता है दोस्तों, इसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो 1 kV टू 1.5 kV वोल्ट तक रहता है दोस्तों, मतलब 1500 वोल्ट तक, 1000 से। ये हमारा इसमें जो स्विच गियर आता है दोस्तों किस तरह का होता है, जैसे पहला हो गया एयर सर्किट ब्रेकर, नेक्स्ट HRC फ्यूजेज, ELCB मतलब RCCB, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर। जो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं ELCB RCCB ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ बहुत ही अच्छे तरह से, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के बारे में। तो मीडियम वोल्टेज स्विच गियर का जो रेंज होता है दोस्तों वो 3.3 kV से 33 kV तक होता है, जिसके अंदर में हमारा आयल सर्किट ब्रेकर आता है और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आता है। नेक्स्ट आता है हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, हाई वोल्टेज स्विच गियर, जो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का जो रेंज है वो 36 kV से लेकर ज़्यादा होता है दोस्तों,
जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं स्विच यार्ड में, जैसे एग्जांपल के तौर पर हाई वोल्टेज स्विच गियर में SF6 सर्किट ब्रेकर है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्विच गियर्स के बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों हमने क्लासीफाई कर दिया है तीनों को वोल्टेज रेंज पे किस तरह से है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसमें दोस्तों स्विच गियर को सबसे पहले हम लो वोल्टेज स्विच गियर के तौर पे, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज स्विच गियर में जैसे आप देख सकते हैं एयर सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है, फ्यूजेज है, रिले है, और मीडियम सर्किट ब्रेकर में आयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, HRC फ्यूजेज, और हाई वोल्टेज सर्किट स्विच गियर में SF6 सर्किट ब्रेकर, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया। इन शॉर्ट आपको मैं क्लासिफिकेशन के हेल्प से, इस चार्ट के हेल्प से आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में बोलता है दोस्तों कि अब करेंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में। तो जैसा कि पता है दोस्तों आपको, करेंट ट्रांसफार्मर एक तरह का दोस्तों ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं रिड्यूस और मल्टीप्लाई करने के लिए AC करेंट का, जो हमारा प्रोड्यूस करता है करेंट सेकेंडरी साइड में, जो हमारा प्राइमरी साइड के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया दोस्तों करेंट ट्रांसफार्मर। इसमें बोल रहा है दोस्तों पहला नंबर पॉइंट, द प्राइमरी सर्किट करेंट विच आर हाई मैग्नीट्यूड आर रिड्यूस टू बी वैल्यू सिटेबल फॉर द रिले ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ करेंट ट्रांसफार्मर्स। नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों, जो प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द सिटी आर कनेक्टेड इन सीरीज। इस चीज़ को दोस्तों नोट में रखना होगा दोस्तों कि कभी भी आप जब सिटी का करेंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करते हैं तो प्राइमरी साइड में हमेशा सीरीज में रखेंगे लोड के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट आता है दोस्तों वोल्टेज ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो दोस्तों होता है वो हमारा, जैसे कि पता आपको, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, जो हमारा वोल्टेज को रिड्यूस करता है हाई वोल्टेज को और आपका लोअर वोल्टेज लेवल पे, जिसको हम लोग मेजरमेंट पर्पज से यूज करते हैं। इसका जो कनेक्शन होता है दोस्तों पैरेलली किया जाता है हमारा लाइन के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया हमारा दोस्तों बेसिक डिटेल्स आपका स्विच गियर के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपका जो कॉन्सेप्ट है स्विच गियर के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा सब स्टेशन में जाकर स्विच गियर के कि किस तरह से जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा और समझाऊंगा, सो डेट आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर अच्छे से हो जाए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो कमेंट कीजिए किसी भी तरह का। अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमसे किसी भी टेक्निकल टॉपिक पे बात करना, या आप हमसे कोई सजेशंस लेना, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पे हम आपसे बातें करेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।